युवा मतदाताओं की हर चुनाव में अहम भूमिका होती है। अक्सर पहली मर्तबा मतदान करने वाले मतदाता बिना पार्टी के मोह के बिना मतदान करते हैं। वह कई बार निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। जिला सोलन में पहली मर्तबा मतदान करने जाने वाली युवतियों में मतदान के प्रति खासा उत्साह है। वह युवतियां ऐसे नेता का चयन करना चाहती हैं जो सभी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सके। बात करते हुए पहली बार मतदान करने वाली युवतियों ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी सहित बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों को ध्यान में रखकर वह इस मर्तबा मतदान में पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगी। गांव-गांव तक सड़क व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। सोनू है, मैं एक मतदाता युवा हूँ। इस बार मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ, इसलिए मैं अपना प्रत्याशी ऐसा चाहती हूँ जो ऐसी महंगाई को नियंत्रित करे और बेरोजगारी को रोजगार दिलाए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, बेरोजगारी और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी महंगाई में हम जैसे लोगों का पालन पोषण होना असंभव है, इसलिए मैं एक ऐसा प्रत्याशी चाहती हूँ जो इस महंगाई को नियंत्रित करे और हम जैसे लोग अपना पालन पोषण कर पाए और साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार भी दिलाए। मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक युवा मतदाता हूँ। मैं जो है पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मेरी यह मांग है जो प्रत्याशी है वो जो है हम सबकी सहायता करें, केवल जो है अपने बारे में ना सोचें। और हमारे जो है आजकल की युवा पीढ़ी जो है बहुत ही बेरोजगार होती जा रही है। मेरी यह मांग है कि वह जो है हम सबके लिए जो है सरकारी नौकरियों का प्रबंधन कर सके और जो है गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण कर सके और जो है सबसे जो है इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य केंद्र। तो मैं यही चाहूँगी कि जो हमारा प्रवक्ता हो वो ऐसा हो, हमारे गांव में सड़कों का निर्माण करे और गांव में स्कूल, सरकारी स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए जो कि हमारे गाँव वालों को जिससे हमारे गाँव वालों को सुविधा प्राप्त हो और हमारी बेरोजगारी को समाप्त करे, जो बेरोजगारी है उसको समाप्त। चांदनी है और मैं महिला युवा हूँ और मैं चाहती हूँ जो ऐसा प्रत्याशी आए जो बढ़ती हुई महंगाई को रोके और महिला के हित के बारे में सोचे। और जैसे आप सभी को पता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, उससे रिलेटेड सबको, जो जितने भी युवा है, जितनी भी महिला हैं, बच्चे हैं, सबको पूरी शिक्षा मिले और सबको बेरोजगार मिले और महंगाई को जड़ से मिटाए। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो लोगों को शिक्षा के केंद्र में उनका विकास कर सके और हमारे देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रही, सबको शिक्षा का अधिकार है तो उन्हें एक प्रमुख रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मैं एक ऐसा प्रत्याशी चाहती हूँ जो लोगों की सहायता करे, उनके विचारों को समझे, उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करे। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।